सजीत, कोरोना वायरस के चलते इस लॉकडाउन में गरीबों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने जनता से दान करने के लिए रिक्वेस्ट की और साथ ही में कहा कि सब बढ़कर आगे आए और गरीबों की यहाँ पे मदद करें, जिसके लिए जो है पीएम केयर्स फंड को बनाया गया और साथ ही में पीएम केयर्स यूपीआई क्रिएट की गई और इस कोरोना वायरस की जंग में कई सारे लोग आगे आए और गरीबों की मदद की, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया। और ऐसे में जहाँ पर तुम सभी को पता है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो बीच में कोई ना कोई टांग जरूर फंसाता है, ठीक वैसा यहाँ पर हुआ है। जैसा कि पीएम केयर्स फंड के नाम से जो है बहुत सी फेक वेबसाइट्स भी बनाई गई और साथ ही में जो है पीएम केयर्स के नाम से बहुत से फेक यूपीआई आईडी भी बनाए गए, जिसकी चेतावनी गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे लोगों को दी है और यहाँ पे लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा है, बिकॉज के कई सारी फेक वेबसाइट बनी गई है कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, जो कि पूरी तरीके से फर्जी है और वहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तुम सभी लोग भी यहाँ पे लोगों की मदद करना चाहते हो तो ऐसे में तुम सभी को ऐसे फेक और फर्जी वेबसाइट से बच के रहना है, बिकॉज के कई सारे लोगों ने दान करना चाहा और कुछ अच्छा करना चाहा लेकिन वो पैसा इन फर्जी लोगों को मिला। तो ऐसे में तुम सभी लोग भी अब सावधान हो जाओ और जो तुम अभी स्क्रीन पर देख रहे हो वो असल आईडी है पीएम केयर की। तो ऐसे में अगर तुम जो है कुछ दान करना चाहते हो तो इस आईडी को ख्याल में रखो। अगर कोई तुमको कुछ लिंक सेंड करता है कि ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से तुम यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, तो ऐसे में तुमको ये आईडी उससे मैच कर लेनी चाहिए, जिससे के बाद तुम सभी लोग समझ जाओगे कि ये फेक है या फिर ये असली है। स्टूडेंट, अगर तुम अपने मुल्क के लिए और अपने भाई भैयादों के लिए कुछ मदद करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। और इसी के साथ में तुम सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इसको गलत ना समझना, इसको एक पॉजिटिव वे में लेना। अगर तुम लोग भी गरीबों की मदद करना चाहते हो तो ऐसे में जो है तुम डायरेक्टली उनको दो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अभी जो मदद की ज़रूरत है वो बहुत ही जल्दी में है और जैसा कि तुम सभी अगर खुद जाके देते हो या फिर तुम अपना कुछ फ्रेंड सर्कल या फिर एक ग्रुप बना के जो है उन गरीबों की मदद करते हो, तो ऐसे में तुमको पता है कि कौन कितना ज़रूरतमंद है, तो तुम डायरेक्टली जो है उस तक जाकर उसको दे सकते हो। बिकॉज कि अक्सर ये देखने में आया है कि मदद के हकदार बाकी रह जाते हैं और जिनको ज़रूरत नहीं होती है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बस मैं जो फैक्ट है उसको बता रहा हूं, बिकॉज कि अक्सर ऐसा होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद नहीं होती है और जो अच्छे खासे अमीर घर के होते हैं उनका काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। स्टूडेंट, आई होप कि तुम इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे और आई होप कि तुम सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को पॉजिटिव वे में लो और इस पे के बारे में जरा तुम लोग सोचो। और अगर तुम जो है पीएम केयर्स में भी फंड को ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो ये बात भी अच्छी है, ऐसी करके भी तुम मदद कर सकते हो। बस जो है तुमको ओरिजिनल जो यूपीआई आईडी है पीएम केयर्स फंड की उसको बस चेक करके देना, बिकॉज के कई सारे फर्जी लोग यहाँ पे जो यूपीआई आईडी क्रिएट कर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा मेहनत का पैसा उन फर्जी लोगों तक पहुँच जाए। और आई होप कि तुम लोग भी नहीं चाहते होंगे कि तुम्हारा पैसा जो है फर्जियों के हक में जाए, तुम लोग भी ये चाहते होंगे कि तुम्हारा पैसा जो है गरीबों के हक में जाए। सो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा पीएम केयर्स के नाम से जो फेक यूपीआई आईडी और फेक वेबसाइट जारी की जा रही है, तो ऐसे में तुम सभी लोगों को उससे सावधान रहना है। आई होप कि तुम सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएंगे और साथ ही में ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आएंगे। सो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करें, बताएं तुम सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव अप टू डेट रहने के लिए टेक इंसिन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच for watching.